Welcome back to my channel, and I'm again so happy to see you. I am so excited to take you to yet another place. आज हम जा रहे हैं गुड़गांव में सेक्टर 15 में और जगह का नाम है लॉफ्ट बाय द क्लॉक टावर. बेसिकली यहाँ पे एक डिनर अरेंज किया गया था और मैं भी वहाँ पे था. आई वॉज इन्वाइटेड एंड मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस जगह के बारे में. जब ये रेस्टोरेंट में घुसने लगते हैं तो आपको बिल्कुल अपने सामने दिखेगा एक फर्स्ट फ्लोर तक पूरा बार. जी हाँ, फर्स्ट फ्लोर तक बॉटल्स डेक्ड अप है. इन्होंने लाइटिंग बहुत अच्छी की है तो आपकी नजर जहां तक ऊपर जाती है आपको सिर्फ बॉटल्स दिखेंगे. और जैसे ही आप एंटर करते हैं राइट साइड में आपको एक बड़ी सी स्क्रीन दिखेगी. इनकेस आप क्रिकेट वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, मैच फ्रेंड्स वगैरह के साथ देखना चाहते हैं, सो यू कैन एक्चुअली गो टू दिस प्लेस. अगर आप बिल्कुल टॉप पे देखेंगे जहां आप खड़े हैं एंट्रेंस के बाद, तो आपको बहुत सारी हैट्स दिखेंगी. इन्होंने हैंग की है आर्टिस्टिकली, ये कुछ हैट्स हैं जो इन्होंने हैंग की हुई है. टुवर्ड्स योर लेफ्ट यू विल सी कि टेबल्स लगे हुए हैं. देन देयर आर वॉल पे कुछ पेंटिंग्स टाइप की लगी हुई हैं. देन फर्स्ट फ्लोर तक आप जा सकते हैं. जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो आपको वहां पे एक लाइब्रेरी मिलेगी. फर्स्ट फ्लोर पे ही अगर आप थोड़ी पीछे की साइड जाएंगे तो वहां पे दे हैव अगेन क्रिएटेड अ स्पेस जहां पे प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं. तो आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव बिकॉज आज की डेट में प्लांट्स बहुत कम देखते हैं, ऑल्सो बिकॉज ग्रीनरी बहुत कम है. तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ वहाँ पे हुआ क्या. सो बेसिकली हम लोगों को बोला गया था कि आप अपनी एक ड्रिंक ले सकते हैं. तो मैंने वहाँ पे तीन चीज़ें पी थी. मैंने सांग्रिया पिया था, मैंने बियर पिया था और मैंने एक कॉकटेल पिया था. कॉकटेल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उसमें था क्या, बट आई वुड लाइक टू टेल यू जो उनकी फ्रेश ब्रूड बियर थी अमेजिंग थी. इट वॉज सो नाइस, मुझे अब भी उसका टेस्ट याद है. आई रियली लव्ड इट. स्नैक्स में जो मिल रहा था वो भी बहुत टेस्टी था, खाना भी बहुत अच्छा था. इट वॉज अ डिनर तो देयर वाज अ ह्यूज टेबल जो लगाई गई थी और बहुत सारे क्योंकि लोग आए थे और खाना जो है वो आए जा रहा था. सो देयर वाज ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन द टेबल. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ही अमेजिंग था. और उसके बाद स्वीडिश थी, स्वीडिश में भी बहुत सारी चीज़ें थी. मेरे पास पिक्चर्स हैं, मेरे पास बहुत सारे पिक्चर्स हैं और मैं आपके साथ अब वही शेयर करने वाला हूँ क्योंकि वो पिक्चर्स ही बयान कर देती हैं वहाँ की पूरी स्टोरी. सो गाइज आई होप अब आपको थोड़ी भूख तो लगी आई होगी, राइट? तो आप जाके अब कुछ खाओ. और हाँ, जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं हर वीक आपको लाके देता हूँ एक नई वीडियो और मैं कहीं नई जगह आपको लेके जाता हूँ.
और आप इस वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट करना, इस पर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं, दो वीडियोस तो मेरे साइट पे अभी चल रही होंगी। और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक, एक नई जगह लेके जाऊंगा आपको, और तब तक के लिए गुड बाय।